मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऐसे बंदे की जिसने अभी तक YouTube पर चैनल बनाने के बारे में सोचा नहीं है, सिर्फ YouTube पर वीडियोस देखना स्टार्ट किया है। जैसे वो YouTube पर वीडियो देखता है उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है YouTube में, क्योंकि YouTube में हजारों लाखों वीडियो ऐसी पड़ी है जिनमें ये बताया गया है YouTube से लाखों कैसे कमाए, करोड़ों कैसे कमाए। मैंने भी कई बार ऐसी वीडियो बनाई है और ये सच भी है, और इससे लोग इंस्पायर होते हैं और उनको लगता है कि यार ये आदमी इतने लाखों रुपए कमा रहा है YouTube से, तो क्यों ना मैं भी अपना एक चैनल ओपन कर लूं और YouTube पर मैं भी लाखों रुपए कमाऊं। और जैसे ही वो ये सोचता है अगले दिन ही YouTube पर अपना चैनल बना लेता है, क्योंकि YouTube पर चैनल बनाना बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल इजी है। यहां पर YouTube आपको मजबूर करता है आपको चैनल बनाने के लिए, और आप चैनल बना लेते हो। अब क्या होता है उसके बाद, जैसे ही चैनल बनाया अब सोचता है कि यार कंटेंट क्या डालूं, या फिर क्या होता है कि किसी भी आदमी के दिमाग में किसी भी टॉपिक को लेकर 10-15 आइडिया होते ही होते हैं। अब 10-15 वीडियो तो बना ली, इसके बाद क्या करूं, यहां पर आकर वो फंसता है, क्योंकि उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। उसने बाकी यूट्यूबर्स की अर्निंग देखी है कि ये लोग इतना कमा रहे हैं मैं भी कमा लूंगा, अर्निंग पर फोकस किया, कंटेंट काम पर फोकस नहीं किया, इसलिए वो फंस जाता है, लर्निंग नहीं करता। अब अर्निंग कैसे होगी, तो वो सोचता है कि यार क्यों ना कॉपी पेस्ट किया जाए, उसका कंटेंट लिया जाए, वहां से कंटेंट कॉपी कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए, कुल मिला के कॉपी पेस्ट। जैसे ही वो कॉपी पेस्ट करने लगता है, या तो रियूज के चक्कर में उसका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, या फिर एक चीज साइकोलॉजिकली आप जरूर सोचिए, जब भी आप दूसरों के कंटेंट पे जीना स्टार्ट करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, वहीं आप खुद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद कहां है वहां। और यूट्यूब आपको मजबूर करता है कि हाँ यार कॉपी पेस्ट कर ले, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं। लोगों का जवाब होता है सर वो भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, और यहीं पर ही यूट्यूबर एक स्टेज पीछे चला जाता है। अब बताता हूं अगला यूट्यूब की जर्नी में आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि उसने ये सोचा था कि यार मैं लाखों करोड़ों कमाऊंगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि भैया यूट्यूब में पेशेंस की भी जरूरत है, कॉम्पिटिशन चाहिए, लर्निंग भी नहीं है आपकी, आपने कॉपी पेस्ट भी कर लिया, तो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कैसे भी करके 1000 सब्सक्राइबर कर लूं, 4000 घंटे कर लूं, सब फोर्स अप कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, कुल मिला के शॉर्टकट करके कैसे भी करके सक्सेस हो जाऊं, और वहां वो फंस जाता है। शॉर्टकट के बहुत सारे तरीके हैं। उसे लगता है कि यार चैनल तो मेरा टैग कैटेगरी का है, लेकिन कोई डांसर बहुत फेमस हुई, चल उस पर ही वीडियो बना देता हूं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, टॉपिक से ही भटक जाता है, यानी कि वो खुद खत्म होता जाता है, वहां पर एक स्टेप और पीछे चला जाता है। और यूट्यूब मजबूर करता है उसे ऐसा करने के लिए, उसे लगता है कि अब पैसा तो कमाया ही नहीं, और जब पैसा नहीं कमाया तो आदमी शॉर्टकट करने की कोशिश करता है। अब चौथी बार यूट्यूबर अब जो है वो फिर मजबूर हो जाता है एक काम करने के लिए, क्या, एक्सपोज करने के लिए। उसे लगता है कि यार मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, तो व्यूज आएंगे कैसे, सब्र तो है नहीं ना, भगवान ने सब कुछ तो दिया लेकिन सब्र नहीं दिया, तो वो क्या करता है, लोगों की बुराइयां करना चालू करता है, किसी बड़े यूट्यूबर को उठा लेगा उसकी बुराई करेगा, या अपने थंबनेल में उसका फोटो लगाएगा, लिखेगा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मेरे